أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Grade 9 Welcome to Physics class Today I am very interesting going too far very interesting topic and I am very excited to explain it The topic which we are going to discuss is satellite Today I will tell you that what is satellite and then we will go for natural and artificial satellite and we will find the equation to for the velocity of satellite okay फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझनी है कि ये सैटेलाइट होता क्या है ठीक है आप अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर जा सकते हैं 141 ठीक है और वीडियो देखने से पहले आप बुक ओपन कर लें और बुक साथ ही 141 पेज को देखते रहे ठीक है एक्चुअली सैटेलाइट हर उस चीज़ को कहते हैं जो अर्थ के गर्द स्पेस में किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है ठीक है मैं अगर सिंपली अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ दैट सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज वॉन्डरिंग विच इज ऑर्बिटिंग द अराउंड द अर्थ सर्फेस दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट ठीक है बुक के ऊपर आप देख सकते हैं सैटेलाइट इज अ नेस्टिंग अकरिंग ऑन मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अनदर ऑब्जेक्ट लार्जर देन इटसेल्फ by a force of gravity ठीक है उसने एक जनरल डेफिनेशन बताई है सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट विच अगर नेचुरली आर मैन मेड कुदरती तौर पर मौजूद हो या दूसरे क्या नाम है इंसानों की बनाई जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द रिवॉल्व कर रही विच इज ऑर्बिटिंग ग्रेटर ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन इट साइड लाइक अवर अर्थ इज सैटेलाइट फॉर सन जिस तरह हमारा सन है ठीक है अब आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये सन है ये साइज में बहुत बड़ा है अर्थ छोटी है और उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है देन अर्थ इज अ सैटेलाइट फॉर सन ठीक है इसी तरह मरकरी है वीनस है जुपिटर और भी बहुत सारे सैर हैं इसकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके लिए एक सैटेलाइट की हैसियत रखती हैं ओके दीज आर सैटेलाइट इसी तरह हमारे अर्थ के गिर्द भी कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि हमारी वजह से या कुदरती फोर्सेस की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट ठीक है तो सिंपली मैं आप ये बता दूँ हमारे लिए सैटेलाइट कौन होगा जो हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो और हमसे छोटा हो हमसे छोटा हो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट इज मून ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये अगर अर्थ है ठीक है अगर आपके पास अर्थ है तो एक छोटा सा इससे जरा छोटा आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है दैट इज मून विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ सो मून इज अ सैटेलाइट ठीक है आई हैव एक्सप्लेन यू दैट सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट विच इज लार्जर देन इट दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट ठीक है अब आपने डेफिनेशन में एक बड़ी अहम बात पढ़ी है इट कैन बी मैन मेड और नेचुरल ठीक है कुदरती तौर पर भी हो सकता है और आर्टिफिशियल ठीक है सबसे पहले जी नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं अ नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अनदर बॉडी सो लार्ज दैट सेंटर ऑफ मास इज वेल विद इन द लार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट एक ऐसे सैटेलाइट कहते हैं कि जो कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर घूम रहा बट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस जो बनाए हैं ये कुदरती तौर की वजह से जो उधर ऑर्बिट कर रहे हैं दैट आर नोन एज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट ठीक है वो आपके पास क्या कहलाते हैं नेचुरल सैटेलाइट जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है मून की तो मून हमारे लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है ठीक है बट देर आर मेनी सैटेलाइट विच आर मैन मेड विच वी सेंड टू द स्पेस टू सम एटमोसफेयर विच आर फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज ठीक है मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हैं जो नासा इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं सबसे बड़ी कंपनी जो कि सैटेलाइट लॉन्च करती है दैट इज़ नासा विच इज़ वर्क अंडर द अमेरिकन गवर्नमेंट और वो मतलब कि क्यों भेजे जाते हैं मैं आपको सिंपली बात समझा दूँ ये जितने भी टीवी चैनल हम तक आते हैं जो हम छत पे डिश एंटीना लगाते हैं मोबाइल टावर्स को जो कंट्रोल करते हैं ठीक है इस तरह और बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स और रडार वगैरह और कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत सारी सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए के और जी खास सबसे अहम चीज़ GPS ठीक है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आपका ठीक है उसको कंट्रोल करने के लिए फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है आप अपने मोबाइल पे मैप खोलते हो मैप खोलते ही वो आपको ऑप्शन देते हैं ओपन योर लोकेशन आप जो ही लोकेशन ऑन करते हो या GPS को ऑन करते हो तो क्या होता है आपको मैप पे बता देता है आप इस अर्थ पे किस जगह पे हो
अर्थ की पूरी लोकेशन से आप बता देता है आप इस गली इस पॉइंट इस घर में इस पॉइंट में मौजूद हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपके खला में मौजूद बहुत सारे ऐसी डिवाइस मुअल्लक हैं, मौजूद हैं, जो कि वहाँ पे ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और उनका मकसद कम्युनिकेशन है, ठीक है, मरासलात की वजह से। दीज आर मैन मेड सेटेलाइट, दैट्स वाई दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल सेटेलाइट, कहते हैं ऑब्जेक्ट परपजली परपजली यानी कि किसी मकसद के तहत प्लेस्ड इन टू ऑर्बिट ऑफ अर्थ और अनदर ऑब्जेक्ट स्टार और सन स्टार मैज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर आप किसी और प्लैनेट की गर्द उसको घुमाने के लिए भेजते हो या किसी सन की गर्द, दैट इज आल्सो अ सैटेलाइट बट इट इज मेड बाय मैन एंड इट इज सेंट फॉर डेफिनेट पर्पस लाइक आई टोल्ड यू फॉर द कम्युनिकेशन और फॉर जीपीएस सिस्टम। सो दीज सैटेलाइट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सैटेलाइट उस चीज को कहते हैं जो कि अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के गर्द रिवॉल्व कर रही हो, और वो दो किस्म की होती है, एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल कुदरती रूल्स कुदरत की वजह से, जिस तरह मून है, ठीक है, वो मौजूद होते हैं और उनको इंसान ने नहीं बनाया होता, वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो कि इंसान ने किसी मकसद के तहत भेजे हो, ठीक है। अब जब हम इन सैटेलाइट को भेजते हैं, इन सैटेलाइट को भेजने के लिए आपके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ठीक है। मैं अगर सिंपली डिफाइन करूँ द वेलोसिटी द एंगुलर वेलोसिटी विद विच द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी ऑब्जेक्ट, देन इट इज सेड टू बी एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। बुक के ऊपर भी आप देख सकते हो, बुक के ऊपर हेडिंग है स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट कैलकुलेशन, उसकी डेफिनेशन लिखी है द इन सर्कुलर ऑर्बिट अ सैटेलाइट हैज अ कांस्टेंट टेंजेंटल वेलोसिटी। कांस्टेंट टेंजेंटल वेलोसिटी इस बात का क्या मतलब है? नाउ आप बहुत गौर से देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? अर्थ है, और ये एक ऐसा एक सैटेलाइट है जो कि आपने कुछ हाइट पे भेजा है, ठीक है, ये अर्थ से दूर किसी खास हाइट पर मौजूद है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, फिर आप इसी जो आप सारी डायग्राम समझोगे इसी के जरिए आप इसकी इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये इसका, लेट्स सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, आप सपोज कर लो कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा है कि इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंटल होगी, यानी कि इस तरह, अगर ये इस पॉइंट में मौजूद है तो इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होगी, अगर सैटेलाइट इस पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगी, अगर सैटेलाइट इस पॉइंट पे है तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंटल वेलोसिटी। आप ये बात याद रख लें, जो भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप एक रस्सी पत्थर को घुमाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगी, हमेशा सर्कल से बाहर की तरफ होगी, जबकि उसकी जो फोर्स है वो हमेशा इनवर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल ये है तो फोर्स की जो डायरेक्शन है हमेशा क्या होगी? इनवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? इनवर्ड। और ये जो फोर्स हम लगाते हैं, चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इस वक्त अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ये सैटेलाइट और ये जो आपके पास अर्थ है इसके दरमियान फासला कितना है? पहला तो वो फासला है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अगर ये अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद होता तो इसका फासला रेडियस ऑफ अर्थ होता, जैसे कि हमने ग्रेविटी वाले टॉपिक में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। प्लस अर्थ की सरफेस है, ये कुछ हाइट पे भी मौजूद है, सो वी विल से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ इज आर ई प्लस एच, ठीक है, आर ई प्लस एच के बराबर है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू एक्सप्लेनेशन दैट हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस एंड हाउ वी विल राइट द इक्वेशन। लिसन वेरी केयरफुली, आई एम डिक्टेटिंग यू। लेट अस कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम, लेट अस कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट हाइट एच, एट हाइट एच। The distance between the Earth center, between the center of Earth and the satellite is given by R e plus h.
The force which rotate the satellite around the circular path, which rotate the satellite around the circular path, is the centripetal force. Is the centripetal force, which is given by equation FC is equal to mv square by r. Okay. But याद तक लिखने के बाद अभी मैं थोड़ी सी बात आपको समझाता हूँ, फिर आगे डिटेल करवाऊंगा. इसके बाद अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है, यानी कि ये सैटेलाइट को क्यों सर्कुलर पाथ में घुमाएगा. आया कि ऐसी, मतलब अब आपके जहन में डेफिनेटली सवाल होगा, सर ये ऐसी कौन सी चीज होती है जो उसको सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमा रही है. ठीक है, कोई उसको दिखा नहीं दे रहा है कुछ, उसका कोई हमने उसको किसी चीज से पकड़ा हुआ नहीं है, फिर वो क्यों सर्कुलर पाथ में घूम रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रस्सी को घुमाते हो, लेट्स सपोज आप पत्थर से रस्सी घुमाते हो, रस्सी के जरिए कोई पत्थर घुमाते हो, तो आप देखते हो कि आप अपने हाथ से फोर्स लगाते हो और वो पत्थर एक रस्सी से बंधा हुआ है. रस्सी टूट जाए तो सैटेलाइट बाहर, वो पत्थर बाहर चला जाता है. तो इसका मतलब है कि आपके हाथ से उसका बंधा होना बहुत जरूरी है, तब उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगी. तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसी रस्सी या कोई भी चीज नहीं है जो कि सैटेलाइट को बांधे रखे, लेकिन इसके बावजूद इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाती है, तो वो किधर से आएगी. अब उस जहां तक मैंने आपको डिक्टेट करवा चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट. यानी कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स इसको किधर से मिलेगी, ये सेंट्रीपेटल फोर्स इसको मिलेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, जो कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ी है. तो आप ऐसे लिखोगे दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट विच इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी एम वन की जगह मैंने मास ऑफ अर्थ लिखे है, एम टू की जगह मास ऑफ सैटेलाइट. ओके, और आर डिस्टेंस की जगह मैंने, ठीक है, आपको ये इक्वेशन पता है, हमने पढ़ी थी जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जी एम की जगह पे, एम वन की जगह मास ऑफ अर्थ जैसे मैंने ग्रेविटी वाले टॉपिक में बताया था, फिर एम टू एम एस की मास ऑफ सैटेलाइट, और यहाँ पे. ठीक है, अगेन अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल, आप कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है. यानी कि हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर है, क्योंकि अभी हमने इंग्लिश में ये बात लिखी है दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इट इज इक्वल टू जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्केयर. ओके, आर ई प्लस एच होल स्केयर. अब एक और जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम यहाँ पे भी आर ई प्लस एच लिखेंगे. क्यों आर ई प्लस एच लिखेंगे, क्योंकि दिस आर इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. सो आर ई प्लस एच, ये आर ई प्लस एच इस स्केयर से कैंसिल होगी. यहाँ पे स्केयर का मतलब है दो वैल्यू, यहाँ पे एक, तो वो एक कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास एक वैल्यू बच जाएगी. ठीक है, और ये भी आपके पास मास ऑफ सैटेलाइट है, और ये मास ऑफ सैटेलाइट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा वी स्केयर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच. नाउ यू आर व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग द ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो आप ऐसे करोगे, दोनों तरफ अंडर रूट पुट कर दोगे, v इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच. दिस इज द ऑर्बिट इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. ठीक है, अगेन आई एम, अच्छा इसमें जो हमने टॉपिक पढ़े, मैं यहाँ पे बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ. अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सैटेलाइट खला में होती है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती. ये खला में नहीं होते, ये ग्रेविटेशनल एक्चुअली खला में होते हैं नहीं, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर चली जाए तो फिर तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगी फिर सर्टिफिकेट, लेकिन इतनी जगह पे चले जा रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और इन्होंने किसकी स्पीड पर मूव करना है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है, अगर हम इसको जितना दूर लेके जाएंगे, ठीक है, अगर इसकी हाइट में जितनी ज्यादा बढ़ा दूंगा उतनी इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी.
ठीक है, वो हम आगे बातें डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो आपका टास्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट, फिर आप नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की लिखोगे, फिर आप नीचे डेरिवेशन की हेडिंग दोगे, उसमें आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे जो मैंने अभी आपको डिक्टेट करवाई है, उसके बाद आपकी पूरी मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के बाद ये वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव करोगे और आखिर में लिखोगे दिस इक्वेशन शोस द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटिंग सैटेलाइट around the Earth's surface. Okay, so you have enjoyed this lecture. I was very also excited about this topic because it is very interesting, and in the next video you will get more much knowledge about this.